हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट टू ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच के बारे में हम पहले उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्शन इन कॉकरोच एंड डेवलपमेंट इन कॉकरोच। सो जनरली आज के इस लेक्चर में हम कॉकरोच कंप्लीट करने वाले हैं। आई होप आप सभी ने फर्स्ट लेक्चर जरूर देखा हो और बाकी के तीनों लेक्चर इस चैप्टर के ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप प्लीज़ उनको जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले हम जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें। जनरली एनाटॉमी से शुरू करते हैं। मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या फ़र्क है? जब हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच किया था तो उसके अंदर हमने कॉकरोच के बाहर के जितने भी फीचर्स थे, बाहर के जितने भी बॉडी पार्ट्स थे, सबके बारे में पढ़ा था। बट एनाटॉमी के अंदर हम क्या करेंगे, कॉकरोच के अंदर की जितने भी पार्ट्स हैं उन सभी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरह क्या क्या फंक्शन होता है, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन करता है। जनरली शुरू करते हैं एनाटॉमी से। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन। एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो डिवाइडेड होती है तीन रीजन में। वो तीन रीजन कौन से होते हैं, एक सेकेंड, हम जानते हैं वो तीन रीजन कौन से होते हैं। फर्स्ट वन इज फोरगट, सेकेंड वन इज मिड गट एंड थर्ड वन इज हिंड गट। नाउ फोरगट, मिड गट और हिंड गट में क्या डिफरेंस है? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही तीनों होते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा जो एलिमेंट्री कैनाल के होगा वो होगा आपका फोरगट, मिडल वाला हिस्सा होगा मिड गट और जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल के नीचे वाला हिस्सा होगा उसे हम कहते हैं हिंड गट, ठीक है। उसके बाद द माउथ ओपन इन टू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। माउथ जो होता है, एक बार हम इस डायग्राम को देख लेते हैं। सबसे ऊपर देखो माउथ वाले पार्ट पे फेरिंग्स है, उसके बाद फेरिंग्स से ही मतलब फेरिंग्स के जो एरिया है उसके अंदर प्रेजेंट है आपका सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन होता है वो कहाँ पे जाके इकट्ठा होता है, सलाइवरी रिजर्वियर में। दैट्स द मेन रीजन इसका नाम रिजर्वियर है, क्योंकि यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो यहाँ पर कलेक्टेड होता है, ठीक है। उसके बाद फेरिंग्स से जब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फेरिंग्स किसके अंदर बनता है, थोड़ा मॉडिफाइड होकर वो बन जाता है ईसोफेगस। फेरिंग्स के बाद क्या आएगा, ईसोफेगस। देन ईसोफेगस जब ऊपर होता है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, तो उसके अंदर आता है क्रॉप। क्रॉप जनरली क्या करता है, क्रॉप जो है स्टोर करता है फूड को, ठीक है। क्रॉप इज जनरली फॉर स्टोरिंग द फूड। एंड जो क्रॉप जो है वो उसके बाद, क्रॉप के बाद क्या बनेगा आपका, गिजार्ड। क्रॉप के बाद नेक्स्ट वाला हिस्सा जो होता है वो होता है गिजार्ड, जिसको हम क्या करते हैं, वो एक सर्कुलर मसल होता है, थिक सर्कुलर मसल होता है, जो कि उसके अंदर जनरली काइटिन, काइटेनियस टीथ होते हैं, ठीक है। यानी कि सिक्स टीथ होंगे इसके अंदर, जो कि फूड स्टोर किया आपने फूड क्रॉप के अंदर, उस फूड को फिर धीरे धीरे वो क्या होगा, ग्राइंड होता चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं। ये हेपाटिक सी का क्या होता है, इससे क्या होता है हमारा शुरू होता है मिडगट, ठीक है। इस ये जो है बीच में लिंकेज होती है, उसके बाद मिडगट शुरू होता है। तो पहले हम फोरगट के पार्ट को पढ़ते हैं। द माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, ठीक है, लीडिंग टू अ नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। माउथ जो होता है वो ओपन होता है, ट्यूब के फॉर्म में प्रेजेंट होगा फेरिंग्स उसके अंदर, जिसके बाद हमारा क्या आता है, फेरिंग्स के बाद एक नैरो ट्यूब टाइप ट्यूबुलर पैसेज आता है जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। उसके बाद ये क्या होता है, ईसोफेगस जो है वो ओपन होता है इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर में ओपन होगा जिसको हम कहेंगे क्रॉप। और क्रॉप का क्या काम होता है, फॉर स्टोरिंग द फूड। क्रॉप जो होता है वो किस में जाके ओपन होगा, इट इज फॉलोड बाय गिजार्ड। गिजार्ड को हम एक और नाम से जानते हैं जो कि है प्रोवेंट्रिक्यूलस। नींद का बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है या फिर आपके लिए नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है ये कि आपको याद रहे गिजार्ड को एक और नाम से जानते हैं जो कि है प्रोवेंट्रिक्यूलस। इट हैज एन आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स। इसके पास एक आउटर लेयर होती है थिक सर्कुलर मसल्स की और थिक इनर क्यूटिकल मसल्स की, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, गिजार्ड के अंदर एक आउटर लेयर होगी जो कि सर्कुलर मसल्स की बनी होगी और एक इनर लेयर होगी जो कि क्यूटिकल की बनी होगी, जो कि सिक्स तरह के काइटिनियस प्लेट बनाएगी जिनको हम कहते हैं टीथ। अब इसके आपको पता चल जाएगा टीथ कहाँ पे प्रेजेंट है, गिजार्ड में, जहाँ पर फूड की ग्राइंडिंग होती है। गिजार्ड जनरली मिक्सर की तरह काम करता है जो कि फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। द गिजार्ड हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। द इंटायर फोरगट इज लाइन बाय क्यूटिकल। जनरली ये पूरा जो फोरगट है ये किससे लाइंड होगा, क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स इसके अंदर लाइंड होते हैं। द रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपाटिक या फिर गैस्ट्रिक सीका।
6 से 8 टिब्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहेंगे हेपाटिक या फिर गैस्ट्रिक सीका, जो कि एक तरह की लिंकेज बन जाती है, इसके बीच में जंक्शन बन जाता है बिटवीन मिड गट एंड फोर गट। देन उसके बाद आपका प्रेजेंट होगा मिड गट, जिसको हम कहेंगे मेजेंट्रॉन भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोर गट एंड मिड गट, जैसा कि हमने अभी देखा, विथ सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। हमने देखा कि कॉकरोच ने अपना फूड जो है गिजार्ड के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कर लिया है, ग्राइंड कर लिया है अपने फूड को, स्टोर्ड फूड को। अब उसको डाइजेस्ट करने की बारी है, तो डाइजेस्ट कैसे करेगा, जो आपका हेपाटिक सीका है वो क्या करेगा, जनरली डाइजेस्टिव जूस जो है उसका बना लेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से आपका जो कॉकरोच का जो खाना है वो डाइजेस्ट होता है। एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट, मिड गट और हिंड गट के, हिंड गट कौन सा है आपका, ये तीन पार्ट्स, इलियम, रेक्टम एंड कोलोन, ये है आपका हिंड गट, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल के लास्ट वाला पार्ट। इसके बीच में मिड गट और इसके बीच में एक चीज प्रेजेंट होती है, जो कि होता है मालफीजियन टिब्यूल, ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ मिड गट एंड हिंड गट इज प्रेजेंट अनदर रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटियस, पतले पतले फिलामेंट के समान 100 से 150 रिंग प्रेजेंट होती हैं मिड गट और हिंड गट के जंक्शन पे, जिनको हम कहते हैं मालफीजियन टिब्यूल, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, मालफीजियन टिब्यूल। ये मालफीजियन टिब्यूल क्या करते हैं, इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कॉकरोच की बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो इकट्ठा हो रखा है, जो एक्सक्रीट करना है हीमोलिम्फ से, वो कौन सिक्रीट करेगा, मालफीजियन टिब्यूल। नाउ जनरली हीमोलिम्फ क्या है, हीमोलिम्फ जनरली आपने सुना होगा हीमोसील, ठीक है, हीमोसील एक कैविटी होती है जो कि प्रेजेंट होगी कॉकरोच के अंदर, उसके अंदर के ब्लड को हम कहते हैं हीमोलिम्फ, ठीक है। द हिंड गट इज ब्रॉडर देन मिड गट, हिंड गट जो है वो ज्यादा ब्रॉड चौड़ा होता है देन मिड गट, एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू, तीन पार्ट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं इसको, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। द रेक्टम ओपन्स आउट थ्रू एनक्स, रेक्टम जो है वो ओपन होता है किसके थ्रू, एनस के अंदर, ठीक है। तो आपने पूरा एनाटॉमी स्ट्रक्चर इसका पढ़ लिया, याद रखना, एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, फेरिंग्स, फेरिंग्स ओपन अप होता है ईसोफेगस में, ईसोफेगस के बाद फूड जो है वो क्रॉप में जाके स्टोर हो जाएगा, उसके बाद यूज काम नीड पड़ने पर क्या होगा, जो फूड है क्रॉप में जो जमा हो रखा है वो क्या करेगा, गिजार्ड में पहुंच जाएगा, और गिजार्ड में थोड़ा थोड़ा करके पहुंचेगा तो वो फूड ग्राइंड होगा विद द हेल्प ऑफ काइटेनियस टीथ, ठीक है, टीथ की वजह से, और उसके बाद डाइजेस्ट होने के लिए उसको डाइजेस्टिव एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, जो कौन सिक्रीट करेगा, हेपाटिक सीके। उसके बाद वो आएगा फूड आपका मिडगट में, देन मालफीजियन टिब्यूल क्या करता है, जनरली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने का काम करता है विद द हेल्प ऑफ हीमोलिम्फ, जो कि ब्लड होता है विच इज प्रेजेंट इन हीमोसील कैविटी। देन उसके बाद इलियम, रेक्टम और कोलोन होते हैं। रेक्टम क्या होता है, रेक्टम जनरली ओपन सप होता है थ्रू एनस। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा जो कॉकरोच है वो कॉकरोच कौन से फाइलम में आता है, इट इज इंक्लूडेड इन आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो आर्थ्रोपोडा में हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है एनिमल किंगडम एनसीईआरटी वाइज तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहां से जाके आप पढ़ सकते हो। हमने उसके अंदर पढ़ा था आर्थ्रोपोडा का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन टाइप का होता है। सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं इसकी कॉकरोच की, एंड ओपन इन टू अ स्पेस, एक कैविटी में, एक स्पेस में ओपन होती हैं, जिसको हम कहते हैं हीमोसील। ये ब्लड वेसल्स जहाँ पे ओपन होंगी, एक प्लेस पे इकट्ठी होंगी, उनको हम कहेंगे हीमोसील, और विस्क्रल ऑर्गन्स जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो हीमोसील के अंदर डूबे हुए होते हैं, उस ब्लड के अंदर डूबे हुए होते हैं, और इस ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। द हीमोलिम्फ इज कम्पोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स। हीमोलिम्फ के अंदर क्या क्या होता है, कलरलेस प्लाज्मा होगा और हीमोसाइट्स होंगे। हीमोलिम्फ क्या है, फिर से याद दिला दूँ, ब्लड, ठीक है, जो कि प्रेजेंट होता है हीमोसील के अंदर। हार्ट ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का जो हार्ट होता है इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्क्यूलर ट्यूब लाइक अलोंग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड अब्डोमेन। जो हार्ट होता है जनरली आप जानोगे कि कॉकरोच का जो हार्ट होता है उसके पास 13 चेंबर होते हैं। नहीं यकीन आया, चलो गिन लेते हैं, जूम करते हैं इसको, हम गिनते हुए चलेंगे धीरे धीरे। ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड चेंबर गिन रहे हैं हम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, थर्टीन। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में मिस्टेक है कि एक जो चैम्बर है वो आपको नहीं दिख रहा है, टोटल 13 चैम्बर होते हैं, इसके अंदर 12 गिवन है,
ध्यान रखना 13 चेंबर होते हैं हार्ट के अंदर कॉकरोच के। तो ये क्या होता है जनरली, इट इज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। एक मस्कुलर ट्यूब इसके अंदर होता है कॉकरोच के हार्ट के अंदर, जो कि कहाँ पर होता है, डॉर्सल यानी कि ऊपर साइड, और मिड मतलब बीच में, कॉकरोच के बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल जो होता है उसके ऊपर ऊपर की साइड डॉर्सल साइड में बीच में एक थॉरेक्स के और एब्डोमन के बीच में ये प्रेजेंट होगा जो कॉकरोच का हार्ट है। इट इज डिफरेंशिएटेड, इसको हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, हार्ट ऑफ कॉकरोच क्या होगा, इट इज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलॉन्ग मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर्स। फनल शेप्ड चैम्बर्स कौन से हैं, यही हैं। आप सोच रहे हो कि ये फनल शेप्ड कैसे हैं, जनरली कुछ इस तरह के होते हैं, यहाँ पर कैविटी प्रेजेंट होगी ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह के होते हैं कुछ, इसलिए इनको कहा जाता है फनल शेप्ड। और ये जो ओपनिंग है जो आप देख रहे हो, ये जो ओपनिंग है, इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, हम इसको एक बार अच्छे से बनाएंगे। ये कुछ इस तरह से होता है, ये रही इसकी ओपनिंग। द नेक्स्ट वाला है वो भी ऐसे ही ओपन होगा, ये ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, 13 इस तरह के चैम्बर्स होते हैं, और ये जो ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग और ये वाली जो ओपनिंग है, और आप कह सकते हो ये वाली ओपनिंग, सभी ओपनिंग को क्या कहते हैं, ऑस्टिया, ठीक है। ओपनिंग्स को क्या कहेंगे हम, ऑस्टिया। देन ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया। ये जो ओपनिंग्स होती हैं, इनके थ्रू हार्ट के अंदर एंटर करता है, चैम्बर्स से हार्ट के अंदर कैसे एंटर करेगा, विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। सारे चैम्बर्स में, सारे साइनसेस में कैसे पहुंचेगा ये ब्लड, विद द हेल्प ऑफ ऑस्टिया, यानी कि उस ओपनिंग की वजह से। अब नेक्स्ट हम आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या जरूरी है, आप ये जरूर ध्यान दें कि रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया का एक नेटवर्क होता है जो कि ओपन होता है थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पायरिकल्स। स्पायरिकल्स का मतलब 10 पेयर्स, यानी कि 20 स्पायरिकल्स होते हैं, 20 होल्स होते हैं कॉकरोच की बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ 2 होल्स होते हैं फॉर ब्रीदिंग, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए, सांस लेने के लिए, बट इन कॉकरोच 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम कॉकरोच का सर काट देते हैं तो वो ऑलमोस्ट 9 days, टू बी प्रिसाइज 9 days जिंदा रहता है, ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कॉकरोच का अगर हम सर काट देते हैं फिर भी उसकी बॉडी में ऑलमोस्ट 10 या आप कह सकते हो 8 पेयर्स ऑफ जो स्पायरिकल्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, 8 होल्स फिर भी हैं, तो वो सांस वहां से भी ले सकता है। उसको ये जरूरी नहीं है कि वो, उसके पास हेड है तो ही वो सांस लेगा, हेड काट दोगे उसका फिर भी उसके पास बहुत सारे होल्स हैं जिनसे वो सांस ले सकता है। दैट्स द मेन रीजन वो अपनी गर्दन कटने के बाद भी जिंदा रहता है। वो उसका मरने का कारण एक ही होता है, ड्यू टू स्टारवेशन, भूख की वजह से वो मरता है कॉकरोच, ठीक है, क्योंकि वो खाना नहीं खा पाता है। खाना कहाँ से खाएगा, मुंह से, और मुंह उसका हमने काट दिया है। प्रेजेंटिंग ऑन द लेटरल साइड ऑफ द बॉडी, लेटरल साइड पे प्रेजेंट होगा। लेटरल साइड पे कैसे प्रेजेंट होगा, यहाँ देखते हैं, जस्ट थिंक, ये कॉकरोच की बॉडी है, ये कॉकरोच की बॉडी है, तो इस पर लेटरल साइड, यहाँ पर ये हो गए आपके स्पायरिकल्स, ठीक है, एक सेकेंड, ये हो गए स्पायरिकल्स, इस तरह से कुछ प्रेजेंट होते हैं स्पायरिकल्स, यानी कि होल्स, ये होल्स इस तरह से बॉडी प्रेजेंट होंगे। तो आप अगर इसका हेड वाला हिस्सा काट दोगे फिर भी ये जिंदा रहते हैं। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स ट्रैकियल, आप देखो ये क्या होते हैं, ट्रैकियल ट्यूब्स सब डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स। कुछ ब्रांचिंग ट्यूब्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ट्रैकियल ट्यूब्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होंगे ट्रैकियोल्स में, जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट्स। जो ऑक्सीजन होती है सारे पार्ट्स तक कैसे पहुंचेगी, विद द हेल्प ऑफ स्पायरिकल्स, ठीक है, ट्रैकियोल्स। देन द ओपनिंग ऑफ द स्पायरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। जो ओपनिंग होती है स्पायरिकल्स की वो किसके थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर्स। इसके अंदर क्या होगा, जनरली एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज एक्सचेंज होंगी, टेक प्लेस एट द प्लेस ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। एक्सचेंज कैसे होगी, ये जो गैसेज हैं इसके अंदर कॉकरोच के अंदर एक्सचेंज कैसे होंगी गैसेज, बाय द हेल्प ऑफ ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मालफीजेंट ट्यूब्यूल, ये हमने अभी आगे पढ़ा था,
थोड़े टाइम पहले कि मालफीजन टिब्यूल जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट कर देता है. तो एक्सक्रीशन कहाँ से होगा? मालफीजन टिब्यूल की वजह से. ईच टिब्यूल जो है वो लाइंड होगा बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल. मालफीजन टिब्यूल किसका बना हुआ होगा? ग्लैंडुलर सेल्स की वजह से और सीलिएटेड सेल्स की वजह से. दे अब्सॉर्ब नाइट्रोजीनियस वेस्ट. इनकी यही खास बात है कि जो मालफीजन टिब्यूल होते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में. ठीक है, दे कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड जो कि बाद में एक्सक्रीट हो जाता है फ्रॉम हिंडगट. हिंडगट में हमने देखा था जो हमारा रेक्टम था वो एनस के थ्रू कनेक्टेड था, तो वहीं से हिंडगट से ही एक्सक्रीट हो जाएगा सारा एक्सक्रीटेड नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है. देयरफॉर दीज इंसेक्ट्स आर नोन एज यूरिकोटेलिक. दैट्स द मेन रीजन इन इंसेक्ट्स को कहा जाता है यूरिकोटेलिक. इन एडिशन द फैट बॉडी निफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स ऑल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन. इस ये नीट में क्वेश्चन आते हैं कि यूरिकोस ग्लैंड किस फंक्शन में काम करता है. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सक्रीशन में. नेफ्रोसाइट्स क्या करते हैं? एक्सक्रीशन. तो ये इस तरह के क्वेश्चन होंगे, इनके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस नाम याद रखना नेफ्रोसाइट्स यूरिकोस ग्लैंड्स एंड फैट बॉडी. नेक्स्ट चलते हैं. देखो ये है आपके जो आपने भी स्पाइरिकल्स पढ़े थे उनके बारे में कुछ. सबसे मेन जो है मेन ट्रैकियल ट्रंक टू हेड, यहाँ से सांस लेंगे. देन थोरेसिक स्पाइरिकल है, ठीक है, ये थोरेसिक वाले है. देन एब्डोमेन में जो स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं ये दोनों रहे. ठीक है, उसके बाद लेटरल लॉन्गिट्यूडनल, अब लॉन्गिट्यूडनल में भी हैं और वेंट्रल में भी हैं. देन ट्रांसवर्स ट्रैकिया भी है यहाँ पर. तो जितनी भी ओपनिंग है ना इसके अंदर स्पाइरिकल्स कितने देखे थे हमने? 10 pairs. तो 10 pairs यहाँ पर दिखा दिए गए हैं. एब्डोमिनल स्पाइरिकल, ठीक है, ट्रैकियल ब्रैंकियस, सब कुछ दिखाया हुआ है. तो यही होते हैं, सबके नाम होते हैं, सबके फंक्शन इसमें बताए हुए हैं. चलिए आगे चलते हैं. अब अगर आप एक स्पाइरिकल को जूम आउट करके देखो, ट्रैकिया को जूम आउट करके देखो, तो आपको पता चलेगा स्पाइरिकल ये है आउटसाइड पार्ट, जो एक ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइरिकल, जिसके थ्रू एंटर करती है एयर कॉकरोच की बॉडी में. देन हमारी बॉडी में एक ही ट्रैकिया है, हमारी नेक में एक ही ट्रैकिया है. इनकी बॉडी में सोचो 10 pairs है, मतलब 20 trachea हैं. ठीक है, ये हो गया ट्रैकिया. उसके बाद ये आउटसाइड पोर्शन है, ये इनसाइड पोर्शन है. देन उसके बाद ये डिवाइड होगा तो ये क्या बनाएगा? ये होती हैं ट्रैकियोल. ठीक है, ये होते हैं जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये होते हैं ट्रैकियोल, जो कि बाद में पूरी बॉडी में एयर को यानी कि ऑक्सीजन को ट्रैवल करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. देन आप देखोगे ये क्या है, ये जनरली है मालफीजियन टिब्यूल का बहुत सिंपल डायग्राम कि मिडगट और रेक्टम यानी कि हिंडगट, मिडगट और हिंडगट के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम कहते हैं मालफीजियन टिब्यूल. बहुत सिंपल डायग्राम है, समझ में आ गया होगा. देन आते हैं नर्वस सिस्टम में. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया. नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, उसके अंदर जनरली क्या होगा? नर्वस सिस्टम कॉकरोच का, उसके अंदर गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं जो कि पेयर्ड अप होंगे बाय लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड. जो आपके गैंग्लिया हैं वो कहाँ पर कनेक्टेड होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड, नीचे की तरफ गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे. 3 गैंग्लिया होते हैं, एक थॉरेक्स में होता है. ठीक है, गैंग्लिया 9 होते हैं टोटल. 3 जो होते हैं वो थॉरेक्स में होंगे एंड 6 जो होंगे वो एब्डोमेन में होंगे. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. नर्वस सिस्टम जो होता है कॉकरोच का वो थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होता है. हमारे पास ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है, ब्रेन हमारे पास एक ही है, बट कॉकरोच के अंदर सिग्नल्स को रिसीव करने वाले, ठीक है, सिग्नल्स को रिसीव करने वाले एक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं गैंग्लिया. जो गैंग्लिया जो होते हैं पूरी बॉडी के अंदर जगह जगह पर प्रेजेंट होते हैं. जो हमारा थॉरेक्स होता है उसके अंदर 3 गैंग्लिया होते हैं यानी कि 3 ब्रेन होते हैं, और जो नीचे वाला पोर्शन है एब्डोमेन उसके अंदर 6 ब्रेन होंगे यानी कि 6 गैंग्लिया होंगे. ठीक है, द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम. हेड के पास थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है यानी कि 3 गैंग्लिया होते हैं, बाकी का सारा वाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल यानी कि बेली साइड पे, इस बेली पार्ट पे बॉडी के, ठीक है, यानी कि अब्डोमेन पार्ट पे प्रेजेंट होगा बाकी के 6 गैंग्लिया. सो नाउ यू अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक. NCERT में 1 वीक दिया हुआ है, बट जो प्रिसाइज वर्जन होता है इसका वो होगा 9 days. 9 days तक कॉकरोच जिंदा रह सकता है अगर वो फुली खाना खाया हुआ है उसने. इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सप्रा ईसोफेगियल गैंग्लियन. जो हेड के अंदर ब्रेन होता है, नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर, हेड के अंदर जो ब्रेन है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन विद सप्लाई, जो सप्लाई करता है नर्व्स टू एंटेना एंड कंपाउंड आइज. हेड के अंदर जो पोर्शन है जिसको नर्व्स की जरूरत है वो है कंपाउंड आई एंड एंटेना, दोनों को ही सिग्नल
प्रोवाइड करने के लिए, जो सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन है वो सप्लाई करेगा नर्व्स। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉकरोच के अंदर सेंस ऑर्गन कौन से होते हैं? इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर आइस, एंटेना, मैक्सिलरी पाल्प, लेबियल पाल्प्स एंड एनल सर्काई। ठीक है, ये सब होते हैं सेंसरी ऑर्गन्स। कंपाउंड आइज जो होती हैं सिचुएटेड होंगी ऑन द डॉर्सल सरफेस, ऊपर की साइड होंगी। हमने देखा था कंपाउंड आई कहाँ होती है, ये अगर पोर्शन है तो कंपाउंड आई यहाँ और यहाँ थी कॉकरोच की, ये हो गया डॉर्सल यानी कि ऊपर वाला हिस्सा। देन ईच आई कंसिस्ट ऑफ 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया। हमने पहले भी जाना था कि जो ओमाटीडियम क्या होता है, जब कोई भी पिक्चर कॉकरोच अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है तो वो उसको डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट नहीं दिखता है, कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड दिखता है, जिसको हम कहेंगे ओमाटीडियम। और इस तरह की विजन को हम कहते हैं मोसैक विजन। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमाटीडिया, बहुत सारे ओमाटीडिया जब एक साथ बनते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हैं, अ कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेजेस कॉकरोच को मिलती हैं, पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, और इस तरह के विजन को हम कहते हैं मोसैक विजन। विद मोर सेंसिटिविटी, ज़्यादा सेंसिटिव होती है इसकी इमेज, बट रेजोल्यूशन यानी कि क्लियरिटी बहुत कम होती है। बींग कॉमन ड्यूरिंग नाइट, नाइट के टाइम पे कॉमनली दिखने को मिलते हैं, और इसकी विजन भी नाइट के टाइम पे देखने को मिलेगी हमें इस तरह की, तो विजन को क्या कहेंगे, नॉक्टर्नल विजन। और कॉकरोच खुद किस तरह के एनिमल्स होते हैं, नॉक्टर्नल तरह के, यानी कि रात में नॉक्टर्नल ओमनिवोरस कॉकरोचेस होते हैं। देन आगे चलते हैं, ये देखो ये रहे ये हेड पोर्शन है, जिसके अंदर आपको एक दो तीन तीन दिख गए। उसके बाद आप क्या देखोगे, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये हेड पोर्शन है, इसके अंदर तीन आपको ब्रेन तीन गैंग्लिया देखने को मिलेंगे, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपको यहाँ पर 6 एब्डोमेन में 6 गैंग्लिया देखने को मिलेंगे, एब्डोमिनल गैंग्लिया बोलते हैं जिनको, वो होंगे 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 6 के 6 यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, और जो ये लास्ट वाली ओपनिंग है उसको कहेंगे सर्कल नर्व। ठीक है, तो ये आपको दिख गया इसमें नर्वस सिस्टम भी। देन आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। कॉकरोचेस आर डायोशियस यानी कि यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनको अलग मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, किसी मेल को कॉपुलेशन के लिए फीमेल कॉकरोच की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एक ही बॉडी में नहीं होते, अलग अलग होते हैं। ठीक है, बोथ सेक्स जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, आप सबसे पहले जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके पास क्या होता है, टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस होगी, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड, ईच लेटरल ह्यूमन की तरह ही होगी, ईच लेटरल साइड पे एक टेस्टिस होगी। इन द फोर्थ से सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में हमें टेस्टिस देखने को मिलती है मेल कॉकरोच के अंदर। फ्रॉम ईच टेस्टिस अराइज अ थिन वास्ट डिफरेंस, एक टेस्टिस से अराइज करता है पतला सा वास्ट डिफरेंस, जो कि ओपन अप होगा इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल। आगे देखते हैं, ये हमारे पास जरूर होने वाला है स्ट्रक्चर। ये देखो ये मेल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, टेस्टिस, जो कि टेस्टिस किस में जाके ओपन होगी, वास्ट डिफरेंस में। ठीक है, थिन वास्ट डिफरेंस में होगी, और जो इजैकुलेट होंगी सेमिनल वेसिकल के अंदर। ठीक है, हमने इतना ही पढ़ा है, और विद द हेल्प ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट, जितना पढ़ते जाएंगे उतना हम इसमें देखते जाएंगे। द इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इन टू मेल गोनोपोर, जब इजैकुलेटरी डक्ट ओपन अप होता है एक पोर के साइज में, उसको हम कहेंगे मेल गोनोपोर, जो कि वेंट्रल होगा एनस पे, एनस के पास प्रेजेंट होगा। अ कैरेक्टरिस्टिक्स मशरूम शेप्ड ग्लैंड, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो कि मशरूम शेप्ड होता है, वो कहाँ पे होगा, 6th से 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पे, जिसका फंक्शन क्या होता है, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ठीक है, इसका फंक्शन होता है विच फंक्शंस एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे बाय मेल गोनेपोफाइसिस या फिर फेलोमियर। फेलोमिया जनरली काइटेनियस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि एक मेल गोनोफोर को कवर करते हैं, सराउंड करते हैं। तो जनरली अ कवरिंग विच कवर द मेल गोनोफोर इज नोन एज फेलोमियर। ठीक है, द स्पर्म आर स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल, स्पर्म कहाँ पे स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल में, और एक साथ ग्लूड होंगे कहाँ पे, एक बंडल के फॉर्म में, जिसको हम कहेंगे स्पर्माटोफोर। ये स्पर्म जो है सेमिनल वेसिकल में सिक्रीट होते हैं यानी कि स्टोर होते हैं, और वो कहाँ पर एक गुच्छा टाइप बन जाता है, ग्लूड यानी कि आपस में जुड़ के एक बंडल टाइप बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं स्पर्माटोफोर, जो कि डिस्चार्ज होगा ड्यूरिंग द कॉपुलेशन।
अब आ जाते हैं फीमेल पर. द फीमेल स्पर्माटोफोर्स विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग एक सेकेंड. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरी. फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास क्या होगा, दो लार्ज ओवरी होती हैं जो कि लाइंग लेटरली इन द सेकेंड से सिक्स्थ अब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होंगी. एक ओवरी, ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स और ओवेरियोल्स. एक ओवरी जो होती है किसकी बनी हुई होती है, एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स की, या फिर उन्हें हम ओवेरियोल्स भी कह सकते हैं. कंटेनिंग अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा, जिसके पास एक डेवलपिंग ओवम की, डेवलपिंग ओवा की एक चेन होती है. ओविडक्ट्स होते हैं एक ओवरी के, ईच ओवरी के यूनाइट कर जाते हैं इंटू अ सिंगल मीडियन ओविडक्ट. सिंगल ओवरी के ओविडक्ट्स यूनाइट करके सिंगल मीडियन ओविडक्ट को बनाएंगे, ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम कहेंगे वजाइना, विच ओपन इन टू अ जेनाइटल चेम्बर. अ पेयर ऑफ स्पर्मथीका इज प्रेजेंट इन द सिक्स सेगमेंट्स विच ओपन इन टू अ जेनाइटल चेम्बर. एक पेयर होता है स्पर्मथीका का जहाँ पे स्पर्म स्टोर होंगे, वो क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा सिक्स सेगमेंट में फीमेल बॉडी के अंदर, कॉकरोच की सिक्स सेगमेंट में, जो कि ओपन अप होगा इन जेनाइटल चेम्बर. स्पर्म्स जो होंगे ट्रांसफर थ्रू स्पर्माटोफोर्स, स्पर्म्स होते हैं ट्रांसफर होंगे स्पर्माटोफोर्स के जरिए. देयर फर्स्ट फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्स्यूल कॉल्ड ऊथिका. ऊथिका क्या होता है, जनरली एक फर्टिलाइज्ड एग होते हैं जो कि एक कैप्स्यूल के अंदर रखे जाते हैं. उस कैप्स्यूल को क्या बोला जाता है, ऊथिका. ऊथिका इज अ डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउन कैप्स्यूल. एक ऊथिका क्या होता है, एक डार्क रेडिश कलर की या फिर ब्राउन कलर की, ब्लैक कलर की, ब्राउन कलर की, ठीक है, ब्लैकिश ब्राउन जिसको बोलते हैं, कैप्सूल होती है जिसका साइज क्या होता है 8 mm, ठीक है, 3/8 यानी कि 8 mm लॉन्ग होता है. और ये क्या होते हैं, दे आर ड्रॉप्ड और ग्लूड टू अ सुटेबल सरफेस. इनको गिरा दिया जाता है, या फिर जब भी आप देखोगे कॉकरोचेस जो हैं जहाँ पर होते हैं वहाँ पर किसी भी स्ट्रक्चर पे हो, चाहे वो दीवार पे हो, किसी भी कोने में हो, किसी फूड आइटम पे हो, वो कुछ ब्लैक ब्लैक सा स्ट्रक्चर छोड़ के जाते हैं, तो वो यही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको जो हम कहते हैं ऊथिका. ऊथिका ही होते हैं जो कि प्रेजेंट होंगे, ब्लैकिश स्ट्रक्चर जो जब भी कॉकरोच कहीं पे प्रेजेंट होता है तो वो उस जगह पर एक ब्लैक ब्लैक कुछ छोट बहुत छोटे छोटे पोर्शन छोड़ के जाता है, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, ऊथिका. यूजुअली इन अ क्रैक और क्रिवाइस हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स. अगर फूड सोर्स के पास थोड़ी ह्यूमिडिटी है वहां पर ऐसी चीज ऊथिका छोड़ सकते हैं. ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है, जिसमें हर एक के पास 14 to 16 अंडे होते हैं, 14 to 16 अंडे होते हैं, ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जो कॉकरोच का हमने नाम पहले पढ़ा था, इज, ठीक है, पोरोमेटाबलस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये नीट में आ सकता है. डेवलपमेंट कैसी होती है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की, ठीक है, पोरोमेटाबलस, जिसका मीनिंग क्या होता है कि डेवलपमेंट किससे होगी, निम्फल स्टेज से. निम्फ जो होते हैं दे लुक लाइक एडल्ट्स. द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग अबाउट 13 times. निम्फ जो है उनके अंदर मोल्डिंग होती है 13 times टू रीच एडल्ट फॉर्म. 13 बार उसके अंदर स्ट्रक्चर में डिफरेंस आएगा तब जाके वो एक एडल्ट बनेगा. निम्फ से एक एडल्ट बनने के बीच में, कॉकरोच के बीच में क्या होगा, 13 molting होगी, 13 modified स्ट्रक्चर होंगे. द नेक्स्ट टू लास्ट लिम्फियल स्टेज हैज विंग पैड्स बट ओनली एडल्ट कॉकरोचेस हैव विंग्स. जो निम्फ वाला स्ट्रक्चर होता है, निम्फ वाला स्ट्रक्चर होगा, सबसे छोटा वाला स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर विंग पैड देखने को मिलेंगे, बट जो ओरिजिनल विंग्स होते हैं, ओरिजिनल पंख होते हैं, वो आपको सिर्फ एडल्ट कॉकरोचेस के अंदर ही देखने को मिलते हैं. मैनी स्पीशीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड. काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज ऑफ कॉकरोच की जो वाइल्ड हैं एंड आर नो नोन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस. जो बहुत गंदे होते हैं, बिल्कुल भी किसी काम के नहीं होते, कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अ फ्यू स्पीशीज थ्राइव इन एंड ह्यूमन हैबिटेट. ठीक है, कुछ स्पीशीज होती हैं जो कि रहती हैं अराउंड ह्यूमन हैबिटेट, ह्यूमन के आसपास जो हमें देखने को मिलेंगी. दे आर पेस्ट्स, ये पेस्ट कहलाती हैं बिकॉज दे स्पॉइल फूड, फूड को स्पॉइल कर देती हैं और उसको खा लेती हैं और उसको स्मेली एक्सक्रीटा भी उसके ऊपर छोड़ देती हैं. ठीक है, आप जहाँ भी कॉकरोचेस को देखोगे उसके पीछे कुछ बल्कि सा मतलब स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कि इसका एक्सक्रीटा होता है. दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिसीजेस बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल. ये काफ़ी सारी बैक्टीरियल डिसीजेस को भी स्प्रेड करती हैं क्योंकि हमारे फूड को खा के जाएंगी और उसके अंदर बहुत सारी बैक्टीरिया छोड़ के जाएंगी. उस फूड को जब हम खाएंगे तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीजेस हो सकती हैं. ये है आपका एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर जो कि है मेल का स्ट्रक्चर, जिसमें हम देख लेते हैं फैलिक ग्लैंड भी प्रेजेंट है. ये रहा आपका फैलिक ग्लैंड, एक सेकेंड इसको ऐसे कर लेते हैं. देन स्मॉल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होंगे, स्मॉल ट्यूब्यूल्स ये वाले स्ट्रक्चर, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स जो कि ये वाले स्ट्रक्चर हैं. सेमिनल वेसिकल हमने देखा टेस्टिस जहाँ पे मूव करता है. देन राइट फेलोमियर कवरिंग होती है जो हमारी
देन वेंट्रल फेलोमियर देन एनल सर्कस देन कॉडल स्टाइल एंड लेफ्ट और राइट क्या होंगे क्योंकि पेयर में होते हैं दैट्स द मेन रीजन लेफ्ट फेलोमियर एंड राइट फेलोमियर गिवन है और टिटिलेटर क्या होगा जो स्यूडो पेनिस के बिल्कुल साइड में होगा और स्यूडो पेनिस क्यों होते हैं यहाँ पर क्योंकि इसमें एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो एक्सक्रीट या जो यूरिया है वो पेनिस से नहीं कुछ भी इजैक्युलेट नहीं होता पेनिस स्यूडो पेनिस इसलिए कहते हैं फॉल्स पेनिस क्योंकि यहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर बाहर नहीं जाता है। देन आते हैं फीमेल पे, फीमेल में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है ओवरी एंड ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट यानी कि सारे ओविडक्ट मिलकर एक जगह पर मिलते हैं जिसको हम कहते हैं वजाइना, ठीक है, उसको हम कॉमन ओविडक्ट भी कह सकते हैं। कोलेटरल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं, जेनाइटल चैम्बर और वेस्टिबुलम जिसको मिलके हम कहते हैं जेनाइटल पाउच, इसके अंदर हमें गोनेफोफाइसिस भी मिलते हैं जो कि एंडिंग होती है, देन स्पर्मथी का भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं हमारे कॉकरोच के इस पोर्शन को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट हम करने वाले हैं अबाउट फ्रॉग, तो इसी के साथ बने रहिए, हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और फिर इसके एमसीक्यू को भी ट्राई करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।